एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग पोवासन वायरस। पोवासन वायरस ये हमारा अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूएस में एक पर्सन डाई हो गया है, सिर्फ एक पर्सन डाई हुआ है, ठीक है। ये इसको हम टिक बोन इलनेस भी बोलते हैं, और इसका ना कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, इसलिए ये ना डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइक आपको पता है 2019 में जब हमें COVID-19 आया था, उससे मतलब बहुत सारी कंट्रीज में बहुत गंदा वर्स्ट इफेक्ट देखने को मिला था। तो ऐसा ही उसी से कंपेयर किया जा रहा है कि पोवासन जो वायरस है ना, वो ऐसा ही कुछ है वायरस। तो ये हमारा रेयर और सीरियस इलनेस हम डिजीज़ बोलते हैं। और ये कैसे स्प्रेड होता है, जब ये हमारा टिक जो होता है, ठीक है, अब मैं फोटो दिखाती हूँ आपको। टिक जो है पर्सन को बाइट कर लेता है, काट लेता है, उसके बाद ये मतलब स्प्रेड होता है टिक के बिटन करने के बाद। और ये जो हमारा पोवासन वायरस है, पोवासन वायरस को हम एक और नाम से जानते हैं, टिकी टाइम बॉम्ब, ठीक है, टिकी टाइम बॉम्ब के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसका जो अंदर नाम। अब अगर हम इसकी इतिहास की बात करें कि ये हमारे सबसे पहले कब आया था, तो ये हमारे सबसे पहले आया था 1958 में, ठीक है, 1958 में। इसमें क्या हुआ था, एक पर्सन इससे इफेक्टेड हो गया था, पोवासन, ओंटारियो में थी ये, पहली बार एक पर्सन के पास ये वायरस डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। और ये 1958 में पोवासन उस जगह का नाम था, इसलिए इस वायरस का नाम पोवासन वायरस कर दिया गया था। अब इसमें जो पीपल होता है वो कैसे अफेक्टेड होता है, ठीक है, तो इसमें इतना ईजिली नहीं है पीपल को अफेक्ट करना। लाइक इसमें जो हमारा टिक होता है ये छोटा सा, ये पर्सन को बाइट कर लेता है, उसके बाद उस पर वो पर्सन सिक होता है, बीमार हो जाता है बिटन के बाद, ठीक है, बाय बिटन। बट ये ऐसे नहीं है कि उसने एक बार काटा है तो उस पर्सन को ये इफेक्ट हो गया, ये होता है कि काफ़ी टाइम तक वो जो टिक है उस पर्सन से अटैच है, वो लंबे टाइम तक, क्योंकि कोई सर्टेन टाइम पीरियड होता है, उस टाइम तक उस पर्सन के साथ कनेक्टेड है और अटैच है, तो ये डिजीज़ कोज करता है, ठीक है। ये कोर्स जब ही करेगा जब लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए पर्सन के साथ है, तो उसके बाद ये कोर्स करता है। अब इसमें क्या है, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं कि पर्सन को अगर इसने काटा है तो क्या क्या सिम्टम्स इसमें देखने को आपको मिल सकते हैं। तो इसमें जो पहला सिम्टम है, जो इनिशियल स्टेज में हम बात करते हैं, तो पर्सन को ना हाई फीवर आ जाता है, फीवर देखने को मिल जाएगा, हेडेक, वॉमिटिंग, वीकनेस उसकी बॉडी में, ये सारे देखने को मिल जाते हैं। और वायरस फर्दर क्या करता है, ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इंसेफलोपैटिस, ये हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और उसके बाद हमें जो ब्रेन की मेम्ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, मेम्ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसमें भी ये देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये हमारे दो तरह के इसके अंदर वो देखने को मिल जाते हैं। अब ये इनिशियल स्टेज पे है, अब सीवियर जब हो जाता है, तो सीवियर में क्या होता है, पेशेंट के अंदर कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसका कोऑर्डिनेशन मतलब वो अपना जो काम कर रहा है ना उसका कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं मिलेगा, लाइक उसकी वॉक में उसका कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा। आपको पता है ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं, ड्रंक आउट की जब सिचुएशन होती है तो काफ़ी पीने के बाद उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता पर्सन का, तो वैसे ही इवन उसको स्पीकिंग में भी दिक्कत होगी, वो उसकी स्लर्ड स्पीकिंग स्पीच होगी, इवन उसको दौरे भी पड़ेंगे, सीजर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो इसका अभी तक रिसेंटली अगर बात करेंगे तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, इसका कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर ने नहीं ढूंढा, इसलिए डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बट इसको ट्रीट कैसे किया जाता है कि पर्सन को रेस्ट पे दिया जाए, उनको उसको फ्रूट्स प्रोवाइड किए जाए, और अगर उसको कोई पेन है, पेन वगैरह, फीवर वगैरह, तो उसकी पर्टिकुलर सिम्टम के इसके अंदर मेडिकेशन दी जाती है। तो ये हमारा पोवासन वायरस है, जो कि आने वाले टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा वो बन सकता है, ठीक है, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो आफ्टर वॉचिंग।